सितारे रहेंगे हम एक दूसरे के सहारे रहेंगे नजदीकियां क्या हो दूरियां बस प्यार ही रहेगा और भानु की ये हिम्मत कि महिला समिति आके तुझे लगता है अब तक की खुराक काफी नहीं दोनों के लिए अब की बार ऐसा सबक सिखाऊंगा कि दोनों कुछ नहीं करोगे तुम मेरे अपमान का बदला किस तरह लेना है मैं अच्छी तरह जानती हूँ इसलिए जो करना है मैं करूंगी एक प्लान आया है मेरे दिमाग में कैसा प्लान वो सब तो ठीक है पर आई नहीं अजी यही सही रास्ता है इससे वंदिता का मामला भी ठंडा हो जाएगा और वो अर्चना भी समझ जाएगी रस्सी का लोखंड से उलझने का अंजाम क्या होता है अर्चना ये हमारी महिला समिति में जाने वाली बात हम तक ही सीमित रहे तो अच्छा है क्योंकि घर पे ये बात अगर पता चलेगी तो फिर आई कोई बखेड़ा खड़ा करेगी और तुम्हें चार बातें सुनाएगी सच कहता हूँ तुम्हें वो दोष देते हैं तुम्हें बुरा भला कहते हैं तो मुझे बहुत अजीब सा लगता है पापा ने मुझे ऐसी जगह लाकर खड़ा कर दिया है कि कोई तुम्हें कुछ बोले तो सुन भी नहीं सकता और तुम्हारी तरफ से उनको भी कुछ नहीं कह सकता इसलिए ठीक है मानव मैं कुछ नहीं बताऊंगी आई को लेकिन एक बात कहूं मानव आई मुझसे जो कुछ भी बुरा भला कहती है ना मुझे उनकी बात का कभी बुरा नहीं लगता वो जैसा भी बर्ताव मेरे साथ करती है ना उसके पीछे उनकी एक ठोस वजह है वरना वो दिल की बुरी नहीं है मानव आई ने मेरी बीमारी में मेरा कितना ख्याल रखा भले एक रात के लिए सही लेकिन उन्होंने उस रात मुझे जो प्यार दिया ना वो मेरी आई मुझे देती थी मैं हमेशा उनमें अपनी आई देखती हूँ मानव और उनकी बहुत इज्जत करती हूँ बस दुख इस बात का है मानव कि मैं इतने दिन उनके साथ रहकर भी अपने लिए उनके दिल में जगह नहीं बना पाई तुम्हारी बीमारी में आई ने जो कुछ भी किया तुम्हारे लिए मैंने अपनी आंखों से देखा था चाहता तो मैं भी था कि रात का भी खत्म नहीं हो लेकिन अगले दिन से वही सिलसिला फिर से शुरू हो गया एक दिन का प्यार रिश्ता जिंदगी भर की नफरत को नहीं मिटा सकता लेकिन उस एक दिन के प्यार के सहारे मैं अपनी पूरी जिंदगी काट सकती हूँ मानव ऑटो पानी
शालिनी, मैं और अर्चना भी। मानव, आप दोनों कहाँ गए थे, क्यों गए थे, किस काम के लिए गए थे, आप दोनों के बीच क्या बातें हुई, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। हाँ, मैं आपसे कुछ कहना जरूर चाहती हूँ। मानव, मैं आपको और अर्चना को एक साथ नहीं देख सकती, तकलीफ होती है मुझे। आप मेरी इस तकलीफ को जलन भी समझ सकते हैं मानव, लेकिन ये बात तय है, मैं अपने अलावा आपकी जिंदगी में किसी दूसरी लड़की का होना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप मेरी बातें सुनकर हैरान हो रहे होंगे ना कि जिस लड़की पर आपने इतने एहसान किए वो आपसे इस तरह कैसे बात कर सकती है। लेकिन मैं क्या करूं मानव, मैं मजबूर हूं, अपने प्यार के हाथों, अपने दिल के हाथों। मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता, और जहां तक अर्चना की बात है तो बेचारी तो थोड़े दिन में इस घर को छोड़कर चली जाएगी, और बार बार मैं तुम्हें विश्वास नहीं दिला सकता कि मैं अपने वादे को नहीं तोड़ूंगा। उसकी जरूरत नहीं है मानव, मैं जानती हूँ आप अपना वादा कभी नहीं तोड़ेंगे, लेकिन फिर भी जब जब वो अर्चना आपके सामने आती है मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। आपको खो देने का ख्याल मुझे परेशान कर जाता है मानव, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं जानती हूँ आप इतनी जल्दी मुझसे प्यार नहीं कर पाएंगे, लेकिन कम से कम मेरे प्यार की कदर तो कर सकते हैं ना। आनंद गोखले, सरपोदार, रामचंद्र वैद्य। पता नहीं अर्चु पर क्या गुजर रही होगी, मानव के घर के अंदर जाने से उसे मुझे रोकना पड़ा। उसकी मजबूरी मुझे उसकी आंखों में साफ दिखाई दे रही थी, चाहते हुए भी वो मुझसे बात भी नहीं कर पाई, और मैं वहां कुछ भी नहीं कर पाई। सुलोचना, अरे छोड़ो भी इन सब बातों को, देखो इस बात के बारे में तुम जितना ज्यादा सोचोगी ना उतनी ज्यादा तकलीफ होगी तुम्हें। हाँ बाबा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपको इस बात को भूल ही जाना चाहिए, और वैसे भी सविता जी का बर्ताव तो हम सब लोग जानते हैं ना कि वो कैसी हैं, फिर भी और आई हम उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, जब तक अर्चु वहाँ पर है उसे ये सब तो सहन करना ही पड़ेगा ना। वैसे एक बात कहूँ आई, आपको वहाँ पर जाना ही नहीं चाहिए था। ये वंदिता है कौन जिसके लिए आप अपनी जान आधी कर रही हैं? ये कैसी बातें कर रही तू? हाँ अरे इंसानियत नाम की कोई चीज है कि नहीं, और मुश्किल के समय सविता जी ने अर्चना की कितनी मदद की थी। इतना बड़ा हादसा हुआ, हमें वहां जाकर उनकी सांत्वना करना जरूरी था मंजू, और फिर वंदिता के साथ जो कुछ हुआ उसका जिम्मेदार तो। अब फिर से मेरे भाई को क्यों बीच में लेकर आ रही है? एक मिनट, लेकिन आई ने तो किसी का भी नाम नहीं लिया। लिया क्या वैशु, सुना तूने? अच्छा शायद इसी को कहते हैं चोराचा मना चांदण। ताई तू रुक जा, मैं अंदर जाके खाना बनाती हूँ। छोड़ो भी सुलोचना, बहुत सारा काम बाकी है, अभी कार्ड पे नाम लिखना भी बाकी है। पापा, वर्षा की शादी का सबसे पहला निमंत्रण आपको दे रही हूँ। वर्षा और सतीश के रिश्ते पर आप अपनी कृपा दृष्टि हमेशा रखना। आओ,
मैं सतीश के घर निमंत्रण पत्र का और अक्षत देने जाती हूँ। वर्षा तू भी चलेगी मेरे साथ, लौटते वक्त हम मंदिर जाकर आएंगे। मैं? अरे आई, तुझे ताई को पूछने की क्या जरूरत है, वो तो ऐसे भी आने वाली है। तू अगर ना भी करती ना फिर भी वो आती। मैडम को अपने ससुराल जाने की इतनी घाई जो है। पशु शट अप। यही सबसे अच्छा है, इसी को फाइनल करते हैं। तब मुझे ये पसंद आ रहा है। आपकी चॉइस ना एकदम बेकार है। शादी के बाद हमारे दोस्त भी यही बोलते थे, बहुत घटिया पसंद। अब आई ने सुन लिया तो। इसके अलावा कोई और कार्ड देखने लायक नहीं है। इसको तो देखो ना, इसका डिजाइन अच्छा है ना ही कलर कॉम्बिनेशन। तेरे कार्ड के चक्कर में हमारा तलाक हो जाएगा। सुनिए ये कैसा लग रहा है? हाँ, तुम्हें पसंद है ना, तो बस इसी को फाइनल कर लेते। क्या सतीश? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको जो भी पसंद हो आप फाइनल कर दो, बस मेरी शादी कराता हूँ। गदा नहीं कर। सुरेशन भाई। अरे नमस्ते भाई, ये हमारी तरफ से शादी करने होता है। खुश रहो। जी फिर खुश रहो। आइए ना, आइए बैठिए। आई थे आज सुबह ही कार्ड छप कर आए। पहला कार्ड गणपति बापा के चरणों में रखा और दूसरा आपके यहाँ लेकर आई। ताई आपकी स्पीड तो सुपर फास्ट है, आपके तो कार्ड छप कर भी आ गए और हमारे यहाँ कार्ड अभी तक सिलेक्ट ही नहीं हुए। वर्षा। हाँ बेटा, तुम बताओ तुम्हें कौन सा कार्ड सबसे अच्छा लग रहा है? ये वाला, ये अच्छा है। तुम्हें ये कार्ड अच्छा लग रहा है? इसका डिजाइन और कलर कॉम्बिनेशन दोनों एकदम बेकार है। ये देखो ये कैसा लग रहा है, ये मैंने सिलेक्ट किया है। ये भी अच्छा है लेकिन मुझे पसंद नहीं है। आई, भले हमारी पसंद अलग अलग है लेकिन कार्ड आप ही की पसंद से सिलेक्ट होगा और यही होना भी चाहिए। आप लोग बैठिए, मैं आप सबके लिए चाय बना कर लाऊं। हाँ ये ठीक है, जा। सतीश जा लेके जा। अच्छा वर्षा एक बात बताओ, ये तुम लोगों की तूतू में मैं कब खत्म होगी? इस युग में तो नहीं और शायद किसी भी युग में नहीं। मतलब सास बहू का रिश्ता होता ही ऐसा है, इन दोनों में ये सब होना ही होना है। तो क्या हम इसे टाल नहीं सकते हैं? तो फिर अभी अभी मैंने जो किया वो क्या था, उसे टालना ही कहते हैं? लेकिन बात बिगड़ने के बाद उसे टालने का क्या मतलब है भाई? तुम आई के पसंद किए हुए कार्ड को पहले ही बोल देती कि वो अच्छा है। सतीश मैं झूठा दिखावा नहीं कर सकता और ये तुम अच्छी तरह जानते हो। आई के डिसीजन को मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, बट आई रिस्पेक्ट माई डिसीजन एज वेल। ये बात सही है। अच्छा अभी मैं आई के पसंद किए हुए कार्ड को छपवाऊंगा तो तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा? बिल्कुल नहीं, कार्ड चाहे जो भी छपे लेकिन नाम तो हमारे ही होंगे ना। वर्षा तुम्हारी यही बातें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। वसुधा
तुम्हारे नासिक में देख ना मेरी वंदु के लिए अच्छा सा लड़का। वंदु के लिए तो मैंने लड़के देखने शुरू कर दिए थे। हाँ। लेकिन अब? अब क्या? पर बुरा मत मानना सविता, वंदिता अच्छी लड़की है, ये मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। लेकिन ये बात मैं औरों को कैसे समझाऊं? उस पर हुई जबरदस्ती और आत्महत्या की कोशिश, अरे यहाँ पर सबको पता चल गया है, अब ऐसी लड़की से कौन करेगा रिश्ता? तो समझ सकती है ना? देख नीलिमा, लड़का कम पढ़ा लिखा होगा ना तो भी चलेगा मुझे, सिर्फ उसके संस्कार अच्छे होने चाहिए। मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ मौशी, लेकिन कोई कम पढ़ा लिखा लड़का भी एक ऐसी लड़की से शादी क्यों करेगा जो इतनी बदनाम हो चुकी हो? हेलो माधवी। काकी, तूने माधवी को कोई काम करने के लिए कहा हो और वो नहीं हुआ हो? आज तक ऐसा हुआ है क्या कभी? अरे इसलिए तो मैंने तुझे फोन किया ना। लेकिन अब की बार तो तू मुझे माफ कर दे। बंधु के रिश्ते की बात में किस मुंह से चलाऊं? तू तो जानती है लड़की की इज्जत पर अगर एक बार दाग लग जाए तो पूरा समाज। प्रियंका, कल बेटा मैंने तुझसे बात की थी, उसका क्या हुआ? वो क्या है ना, दो चार जगह पर बात तो मैंने चलाई थी। हाँ। पर पेपर में आई न्यूज लगभग सभी ने पढ़ ली है, अब कुछ नहीं हो सकता। जिनको जिनको फोन किया सबने हाथ ऊपर उठा दिए, कोई वंदु के साथ रिश्ता करने को तैयार नहीं, जिंदगी बर्बाद हो गई मेरे बच्चे की, कोई नहीं संवर सकता। सविता, बोलने से पहले यहाँ वहां देख और फिर बोला कर, अभी बंधु यहाँ खड़ी थी। मेरा ध्यान नहीं था, अगर सुन भी लिया तो सच्चाई तो जानती है वो, बिचारी के भाग फूटे, दुख और दर्द की जिंदगी उसको आदत डालनी चाहिए, वही उसके लिए अच्छा है। मैं मंदिर जा रहा हूँ और वहाँ से गैरेज जाऊँगा, थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है उधर से, तो रात को लेट हो जा। मानो कब से सुन रहा हूँ कि गैरेज में प्रॉब्लम चल रही है, प्रॉब्लम चल रही है, कोई सीरियस प्रॉब्लम है बेटा? सीरियस बात तो है बाबा, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि सुलझ जाए, मैं निकलता हूँ। दादा, मैं भी चलूँ आपके साथ? नहीं बेटा, मानव अभी मंदिर जाएगा, वहां से गैरेज जाएगा, मैं आती हूँ तेरे साथ। नहीं आई है, बंधु मेरे साथ ही जाएगी, अभी जो हुआ जितना हुआ बहुत हो गया है, अभी और खतरा नहीं ले सकते। मैं इसको लेके जाता हूँ, वापस छोड़ दूंगा, उसके बाद गैरेज जाऊंगा। चल बंधु। हेलो, मुझे अर्चना से बात करनी है। हाँ है, एक मिनट। अर्चना, तुम्हारे लिए फोन है, जरा बाहर तो आना। ये लो तुम्हारे लिए फोन। हेलो अर्चना, रसिका बोल रही हूँ। वंदिता के मामले में मुझे क्या करना है मैंने सोच लिया है, और वो महिला समिति के सामने मैं रखने वाली हूँ। तुम वहां होगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, उम्मीद करती हूँ तुम वहां जरूर आओगी। बाय। आओ अर्चना, बैठो। रसिका जी भी आती ही होंगी।
फॉर द डिले। एक्चुअली वो जीएम रोड पर ट्रैफिक इतना जाम हुआ था कि लेट हो गई। कोई बात नहीं, काम शुरू करते हैं। तो बताइए आपने वंदिता के बारे में क्या सोचा? महिला समिति ने मुझे 5 दिन की मोहलत दी थी, उसमें से थोड़ा सा समय बाकी है। एक्चुअली मैंने आप लोगों को इसलिए बुलाया था कि मैं अर्चना के बारे में आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। काकी, आपको मेरे बारे में क्या बात करनी है? हम यहाँ वंदिता के बारे में बात करने आए हैं। आपके बेटे ने उसके साथ... मेरे बेटे की बात छोड़ो, उसका और वंदिता का क्या करना है वो तो मैं बाद में सोचूंगी। पहले जिसने मेरे बेटे के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज की है उसकी असलियत का पता तो सबको चले। ये अर्चना है, पिछले कई दिनों से इसका डिवोर्स केस कोर्ट में चल रहा है, और ये उस पति के साथ रह रही है जिसके आने वाले 1-1.5 महीने में दूसरी लड़की के साथ शादी होने वाली है। लेकिन रसिका ताई, उस केस का इस केस से क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है मिसेस कामत, ताल्लुक है। जब 2 महीने पहले उसके डिवोर्स केस की सुनवाई हो रही थी तब यही अर्चना थी जिसने डिवोर्स लेने से इनकार कर दिया था, और कोर्ट में तरकीब लड़ाकर उसने ये परमिशन हासिल कर ली कि मानो के घर में जाकर 3 महीने के लिए रहे, और वो वहां रहकर अपना बड़प्पन जताना चाहती है, और साथ ही साथ उस लड़की का हक छीनना चाहती है जो मानव के भाई सचिन के बच्चे की माँ बनने वाली है और मानव की बीवी। देखिए रसिका ताई, माना कि आप जो कुछ भी कह रही हैं वो सच है, लेकिन फिलहाल ये मामला कोर्ट में है, इसके बारे में हम ना कोई बात कर सकते हैं और ना ही कोई फैसला कर सकते हैं। इसीलिए बेहतर यही होगा कि हम वंदिता के बारे में बात करें। तो बताइए आपने वंदिता के बारे में क्या सोचा? उसके लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए मुझे। ठीक है, तो कल तक का वक्त है आपके पास, आप सोच के बताइए, अभी हम चलते हैं। पता नहीं कहा कि आपकी मेरे साथ क्या दुश्मनी है, आप ये सब क्यों करती है? खैर जाने दीजिए, आपसे इन सवालों के जवाब मांगना बेकार। आप सिर्फ इतना याद रखिए कि आपके पास सिर्फ 1 दिन बचा है, और इस 1 दिन में अगर आपने सही फैसला नहीं लिया तो महिला समिति की अध्यक्ष रह चुकी है ना, इसकी ताकत का तो आपको अच्छे से अंदाजा होगा। इनकी मदद से मैं अजीत का वो हाल करूंगी ना कि माफ कीजिएगा रसिका ताई, जब तक इस मसले का कोई हल नहीं निकल जाता आप इस कुर्सी को खाली कर दीजिए। सहारे रहेंगे नजदीकियां।